बरखेड़ी की नदी पे रियासतकालीन पुल बना हुआ है, वह करौली का प्रवेश द्वार भी है। उस पुल पर सिंगल पुल होने की वजह से वहाँ पे रहने वाले किसानों के खेती का पर काफ़ी नुकसान हो रहा है। जब मैं वहाँ के किसानों से मिली तो और मैंने खुद ने जाके देखा तो कि एक तरफ से ही गाड़ियाँ निकलती हैं, काफ़ी लंबी लाइनें लग जाती हैं। आप करते क्या हो? खेती बाड़ी का काम करते हैं, मजदूरी वगैरह। इस पुल पर ट्रैफिक लगने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इस पुल पर ट्रैफिक लगने से क्या है कि देखो, हमारे यहाँ पर सारी तो खेती खराब हो जाती है और धूल उड़ती है, हमारी खेती पर धूल जमती है, हम सब लोग बीमार हो जाते हैं और बीमारी में सारा पैसा खर्चा हो जाता है, हमारी खेती भी बिल्कुल नष्ट हो रही है इस पुल से। पहले आपकी खेती कैसी होती थी? पहले तो बहुत अच्छी होती थी, हम थोड़े पैसे में अच्छी खेती पैदा कर लेते थे और अब अच्छा पैसा लगा तो वो भी हमारी खेती बिल्कुल नष्ट हो जाती है, मिट्टी धूल जम जाती है, पेड़ों में फल नहीं आते हैं, पता नहीं दवाई दे तो वो भी फल नहीं आते पेड़ों में। ऐसा कितने समय से हो रहा है? करीब ये 8-10 साल तो हो ही गए होंगे कम से कम, जब से वाहनों का दबाव बढ़ा है तब से ऐसा हो रहा है। और पुल की स्थिति क्या है? पुल भी ये खराब हो गया, बिल्कुल टूट रहा है पुल, इसमें बड़े बड़े वाहन आते तो इसमें हर हमेशा टक्कर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, पुल की बाउंड्री भी टूट रही है और ये कभी भी गिर सकता है पुल, क्योंकि इसकी नीचे से भी कंडीशन खराब हो गई है बिल्कुल। हमारे लिए तो पूरी परेशानी खड़ी हो रही है इससे साहब, ना ही तो हमारे बाल बच्चों को आने जाने का रास्ता सही मिल रहा है इससे और ना ही कुछ होता है, क्योंकि इसमें जगह नहीं है पहली बात तो। इस पुल के आसपास में कितने लोग रहते हैं? पूरे गांव है आसपास में, सभी लोग हैं यहाँ के रहने वाले, जो पूर्व जन्म से रहते हैं वो सभी रहते हैं और सबकी यही समस्या है। मैंने NH डिपार्टमेंट से भी बात की तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास में कोई फंडिंग वगैरह नहीं है और वो पुल पूर्णतः क्षतिग्रस्त भी हो चुका है, जिसके कारण उस पर हादसे होने की अभी आशंका बनी रहती है। मेरा मानना है कि ऐसी जगहों पे तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और ध्यान भी देना चाहिए, जिससे हमारे गरीब किसान भाइयों को नुकसान ना हो और उनकी फसल भी पूर्णतः अच्छी होनी चाहिए। वही सब्जियां मार्केट में आती हैं और वो लोगों को नुकसान करती हैं। जो ये पुल है इसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, वह NH डिपार्टमेंट इस पर ध्यान दे, इस पुल का निर्माण सही तरीके से करें। उनका नंबर है 97-84-33-90-87। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहट के लिए।